हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग को और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग को ले आए हैं, ये प्राची हॉस्पिटल है, प्राची इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड केयर। ये प्राची हॉस्पिटल ओडिशा के कटक जिले में दोस्तों ये है, और यहाँ आने के लिए बस और रेलवे दोनों का सहारा से यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों ये हॉस्पिटल गायनोलॉजी के लिए फेमस है। दोस्तों ये हॉस्पिटल डॉक्टर पूर्णचंद्र महापात्रा जी के हैं, और ये हॉस्पिटल उनकी बेटी डॉक्टर प्राची के नाम से ये रखा गया है। डॉक्टर पीसी महापात्रा जी एससीबी हॉस्पिटल के रिटायरमेंट ऑफिसर हैं, और ये वर्ल्ड का बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम के साथ इनका नाम आता है। दोस्तों इनका व्यवहार बहुत ही बढ़िया और सुंदर है। दोस्तों ये दिन रात पूरा मेहनत करते हैं, 24 आवर पेशेंट के लिए इलाज के कर में रहते हैं। इनका खाने पीने का समय को भूलकर रोगी का सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ हर लेडीज़ का हर प्रकार का यहाँ समस्या का समाधान किया जाता है, हर प्रकार रोग का यहाँ पर इलाज किया जाता है, और कम पैसों में, गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इनका सेवा बहुत ही अच्छा है, और इन दोस्तों बहुत ही कम पैसों में बड़े बड़े बीमारी का, महिलाओं का, माता बहने का जो समस्या होता है, उस समस्या का इलाज बहुत ही कम पैसों में किया जाता है। जैसा कि इनफर्टिलिटी होता है, जिसका बच्चा उच्चा ना होना, या कोई भी ऐसा समस्या हो, या ऑब्स्टेट्रिक्स प्रॉब्लम, और जैसा कि तमाम बीमारी है जो यहाँ पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रीटमेंट और इलाज होता है, और यहाँ बहुत ही बढ़िया इलाज किया जाता है। दोस्तों ये बैठने वाला जगह है जहाँ डॉक्टर के इंतज़ार कर सकते हैं, और ये अंदर का परिवेश है जहाँ आप लोग का वार्ड मिलेगा और केबिन मिलेगा, जो है कि बहुत ही कम पैसों में आप लोग को यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ स्टे करने के लिए आप लोग को केबिन साफ सुथरा के साथ यहाँ पर केबिन आप लोग को मिलेगा। ये प्राची हॉस्पिटल आने के लिए कटक बस स्टैंड या तो रेलवे स्टेशन से आराम से आ सकते हैं। दोनों तरफ से यहाँ तक आने के लिए 10 किलोमीटर दूरी पर ये CDS सेक्टर 8 में है। आप कहीं से भी बोलेंगे कि हमको CDS सेक्टर 8 में जाना है, या फिर MPC महापात्रा जी का नाम लेंगे, या तो प्राची हॉस्पिटल का नाम लेंगे, तो आप लोग को कोई भी ऑटो वाला यहाँ तक आसानी से छोड़ कर जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ ये था यहाँ का एंटर जानकारी, और दोस्तों यहाँ अगर आना चाहेंगे या कुछ, तो आप भी यहाँ से ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये हॉस्पिटल का जानकारी आप लोग को कैसा लगा, ये हॉस्पिटल और ये जानकारी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला ऐसे ही नए नए जानकारी आप तक आसानी से पहुँच पाए। जैसे दोस्तों लोग कहते हैं कि भगवान के द्वार में देर है अंधेर नहीं, तो उसी तरह यहाँ पर आपको चिकित्सा बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के लिए रात में आना पड़ेगा, रात में आकर यहाँ लाइन लगाना पड़ता है, और जब सुबह 8 बजे आपका हॉस्पिटल खुल जाता है, और हॉस्पिटल खुलने के बाद आपका सीरियल के अनुसार आपका रोगी का देखा जाता है और ट्रीटमेंट भी किया जाता है। दोस्तों जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों और वीडियो को फुल देखने के लिए, आखिरी तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।